गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को एमसीयू में कैसे लाया गया? वेल, भले ही पहली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी 2014 में आई थी, लेकिन एमसीयू की बिगनिंग से ही कैरेक्टर्स का यूज करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता था। उस टाइम पर मार्वल का एक स्क्रीन राइटिंग प्रोग्राम हुआ करता था, जहां बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए जाते थे, और अगर आप मार्वल के राइटर हैं तो आपको कोई सा भी कैरेक्टर पिक करना होता था और उसके ऊपर स्क्रिप्ट तैयार करनी होती थी। जहां राइटर निकोल पर्लमैन ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को वहां देखा और उन्होंने इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके हेल्प से वो एमसीयू की कॉस्मिक और यूनिवर्स साइड को भी एक्सप्लोर कर सकते थे। और उनके स्क्रिप्ट में थानोस मूवी का मेन विलन था, बट उसे रॉनिन के साथ बदल दिया गया क्योंकि मार्वल उसे फ्यूचर के लिए बचाना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी थी कि उनकी स्क्रिप्ट फनी नहीं थी, और निकोल ने ये एडमिट भी किया कि वो अपनी स्क्रिप्ट में अच्छे जोक्स ऐड नहीं कर सकती हैं। जब मार्वल ने जेम्स गन को हायर किया, जो तब इतने फेमस नहीं थे, लेकिन वो डेफिनेटली एक कॉमेडी मूवी लिख सकते थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ बदल कर फिर से लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने सभी गार्डियंस की पर्सनैलिटीज को ही बदल कर रख दिया। योंडू और वॉकमैन को भी उन्होंने ही ऐड किया, और एट द एंड उन्होंने एक अननोन सुपर हीरो ग्रुप को एक पॉपुलर और आइकॉनिक टीम में बदल दिया।